हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है भाई दूज। एंड बैकग्राउंड साउंड आप सुन ही सकते हो कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बुआ लोग सब लोग आए हुए हैं। एंड भाई दूज में हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो रिवाज है हमारे घर पे कैसे मनाया जाता है वो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे घर पे भाई दूज कैसे मनाया जाता है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने नहा लिया है क्योंकि मुझे कुछ बनाना था, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन। एंड वहाँ पे सारे मेरे बुआ मम्मी लोग सब लोग बैठ के खाना बना रहे। भाई दूज कल भी था, काफ़ी लोग कल भी मना चुके हैं, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं क्योंकि बुआ लोग बोल रहे थे कि आज का जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा है। सो आज हम लोग मना रहे हैं। एंड हर साल भाई दूज के बाद हम लोग या तो लंच या तो डिनर वगैरह होता है। सो इस बार हम लोग दिन में कर रहे हैं तो लंच होगा, एंड इसकी तैयारी वगैरह सब चल रहा है। तो चलिए आप लोग को भी दिखा। तो लंच में बहुत कुछ बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पनीर बनाया जा रहा है। एंड खाना मम्मी ज़्यादातर बना रही है एंड बुआ भी बनाएगी। करो करो, कोई ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग में देखोगे। न्यू फैमिली मेंबर है एंड एक डॉगी भी है, वो बाहर घूम रहा है। हे बेबी, तो अभी मम्मी यहाँ पे चिकन को मसाले के साथ मिक्स कर रही है। एंड हमारी यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है चिकन, पिकनिक वगैरह में ऐसे ही बनाते हैं एंड बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं बनाया तो बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। अभी सारे जो मसाले हैं वो मिक्स करेंगे एंड उसके बाद तेल में ऐसे छोड़ देंगे वो प्याज वगैरह डाल के, बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर। दिवाली के कुछ पटाखे रह गए हैं, सोच रहे कि रात को पटाखे फोड़ेंगे, इसलिए थोड़ा इसको गर्म करने के लिए धूप में रखा है। मैं और मेरी बुआ बैठ के सारे जो भाई दूज की तैयारी है वगैरह है वो सब कर रहे हैं, और बुआ को नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो वो हंस रही है बोलने के बाद। एंड आप देख सकते हो ऐसे प्लेट सजाया जाता है एंड ये परोसा जाता है भाई लोगों को। अभी ड्रेस चेंज करना है एंड उसके बाद भाई दूज का जो रस्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए पहले ड्रेस चेंज करते हैं एंड आप लोगों को आज का लुक दिखाते हैं। Thank you.
हर बार भाई उसका जो रस्म है बहुत अच्छे से निभाती है, बट इस बार थोड़ा बीमार हो गई है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने फोर्स किया कि नहीं, आपको भी ये रस्म करना है इस बार भी। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हम सब के लिए। देख लेते हैं खाने में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो दाल है, एंड ये ड्राई फिश से एक डिश बनाया जाता है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल, वो है चावल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बटर पनीर है जो कि मम्मी ने बनाया है, एंड अंडा करी है, बंगाली स्पेशल अंडा करी है ये जो कि बुआ ने बनाया है, एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये है चिकन, आप देख सकते हो सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो अभी मैं अपने रूम पे बैठी थी, एंड मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो आके बोल रहे हैं कि चलो चलो दीप पटाखे फोड़ना है, एंड वो लोग मुझे खींच के बाहर लेके आ गए। तो अभी हम लोग पटाखे फोड़ेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, एंड तब तक आप लोग भी ये जो वीडियो है वो देखिए एंड इन्जॉय कीजिए। चले गया है एंड डिनर भी हमने कर लिया है। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, बहुत मस्ती की सबने मिलके, पटाखे भी फोड़े, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। एंड या आज का जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।